नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश दोस्ती दभी में और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बड़ी अपडेट की, और आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले संपन्न हुई परीक्षा जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की थी दोस्तों, तो आपको बता दें कि उसकी फाइनल आंसर की को दोस्तों आयोग के द्वारा अभी अभी जारी किया गया है। तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये फाइनल आंसर की आप देख सकते हैं जो कि आयोग के द्वारा दोस्तों यहां पर जारी किया गया है, और आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिस तरह से कि ये सेट नंबर एक आपको दोस्तों यहां पर नजर आ रहा है, और आपको अब बता दूं कि आप किस तरह से इस आंसर की को देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहां पर बता दें कि आप यहां पर सबसे पहले देखिए आपको ये कॉलम नजर आ रहा होगा जनरल नॉलेज का, तो आप पहले समझिए कि आप यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 से 50 तक यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक सीरीज आपकी है, आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक श्रृंखला ये नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, और 1 से 50 तक दोस्तों यहां पर ये पूरा यहां पर जीके का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 51 से दोस्तों आपके यहां पर शुरुआत हो जाती है, आपके अन्य जो पार्ट थे जो कि आपके 100 क्वेश्चन थे आपके मेन ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आपको यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों जिनका भी हिंदी था, तो हिंदी के लिए उनके 51 से पूरे यहां पर दोस्तों 100 तक नीचे क्वेश्चन है, उसके बाद 101 से यहां पर पूरे आगे तक क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहां पर आपको बता दूं कि आप देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए हिंदी का सीरीज जैसे आपको नीचे की तरफ, उसी तरह संस्कृत, इंग्लिश, सोशल स्टडी मतलब SST, और यहाँ साइंस मैथ के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि कुछ आपको यहाँ पर शेडेड ब्लॉक्स भी नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों शेडेड ब्लॉक्स से क्या मतलब है इसको भी अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। दोस्तों समझना ये है आपको कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरह से, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 1 और 3 दो तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, या 11 की बात करें से 3 और 4 है, या आपका जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश में यहां पे 1, 2 या 4 का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से देख सकते हैं आप यहां पर दोस्तों एक पूरी श्रृंखला है इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की, और किसी क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहां पर स्टार भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा कि जिन भी ऑप्शन में 1 से ज्यादा ऑप्शन लिखे हुए, जैसे यहां पर 1, 2 लिखा हुआ है या 3 या 4 यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर दोस्तों आपको इस मतलब इसके 1 से अधिक आंसर हो रहे हैं, जिसको यहां पर दोस्तों आयोग ने संभवतः आपको पूरे पूरे अंक इसके प्रदान किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी जिस भी अगर इसमें से सिलेक्टेड, मान लीजिए आपको यहां पर 3 और 4 दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसमें से अगर 3 या 4 में से किसी ने यहां पर टिक किया है, तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुनने आपने चुन लिया है, तो अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपने चुना है तो आपके द्वारा चुने गए उत्तर में आपको यहां पर अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब यदि आपने 3 चुना है तब भी आपको अंक मिलेगा, और 4 वाले को भी अंक मिलेगा। बात करें स्टार वाले की, तो आपको बताना चाहूंगा कि यदि स्टार लग गया है किसी भी क्वेश्चन में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टार वाले में आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर सारे अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने किसी भी ऑप्शन को टिक किया है, फिर भी उनको पूर्ण अंक मिलेगा, क्योंकि रीजन ये है कि जो भी यहां पर स्टार वाले क्वेश्चंस आपको ब्लॉक नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर आपको पूर्णतया अंक प्रदान किया जाएगा। उसका रीजन यही है कि यहां पर जो भी ऑप्शन दिए गए थे, प्रोवाइड किए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन पूर्णतया सही नहीं था, जिसको आयोग ने सभी को अंक देने की बात यहां पर, मेरे ख्याल से आपको यहां पर पूरे अंक दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी अंक, यहां पर जो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन जो था वो सही नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे यहां पर मैथ साइंस के ग्रुप में हुआ है, उसी तरह से यहां अलग अलग ग्रुप्स में दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्लॉकिंग की गई है, और इसी के आधार पर आपको मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां सेट बी का जैसे यहां पर दिया हुआ है, उसी तरह से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेट बी का है, और उसी तरह से आपको और मैं आपको यहां दिखा दूं कि सेट जैसे बी के बाद सेट सी आपके सामने आ चुका है, और आपको यहां दिखाना चाहूंगा सेट डी का भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरी आप देख सकते हैं कि ये आपके आंसर शीट है, जो कि मैं आपको बता दूं फाइनल आंसर की है, जारी की गई है आयोग के द्वारा, और मैं आप चाहते हैं यदि इसको पाना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर जाकर के आप इस पूरी आंसर की को आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार उसको जरूर मैच कर लीजिए, और कल आने वाले आपको बता दूं कि सॉरी दोस्तों कल नहीं, 12 तारीख को, क्योंकि आज 10 तारीख है, 12 तारीख को दोस्तों इसका आंसर जो फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो भी आने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो भी आपको अंक आपने अच्छे ही अर्जित किए होंगे, और आप सभी को आपका जो भी लक्ष्य है वो प्राप्त हो, ऐसी आपसे मैं प्रार्थना करूंगा जो है ईश्वर से।
तो इसी बात के साथ यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। बस एक निवेदन अंत में करूँगा, यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और चाहें तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से समय से पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।